You're listening to ChiniMandi.com podcast. तमिलनाडु AIADMK ने मुख्यमंत्री से चीनी मिल को फिर से शुरू करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की। पोंगल गिफ्ट हैम्पर के लिए गन्ना स्थानीय स्तर पर मंगाया गया। कर्नाटक सरकार की केंद्र से चीनी मिलों को ऋण देने के नियमों में ढील देने की अपील। भारत 2026 तक चीन को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उपभोक्ता बनने की राह पर। महाराष्ट्र में अब तक हुआ 492 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन। केंद्र ने चीनी विकास कोष नियम 1983 के तहत पुनर्गठन के लिए दिशा निर्देश किए जारी। बांग्लादेश चीनी मिलों द्वारा कम चीनी उत्पादन की संभावना। कोविड-19 कर्नाटक में अगले 2 सप्ताह के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। ये सारे न्यूज पढ़ने के लिए विजिट करें chinimandi.com और यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाइए।